यहाँ पे आपसे टोटली जो है पांच परमिशन मांगा जाएगा। पहला मैसेज का, दूसरा है कॉन्टेक्ट्स का, तीसरा है कॉल्स का, चौथा है लोकेशन का, और पांचवा जो होगा वो होगा मीडिया का। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं फोन पे अकाउंट कैसे बनाएं इन 2022, यानी हाउ टू क्रिएट न्यू फोन पे अकाउंट। तो अभी मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरीके से जो है आप अपना खुद का एक फोन पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके फोन में फोन पे ऐप नहीं है तो सिंपली से आप जो है प्ले स्टोर पे आ जाओ और यहां से इसको जो है इंस्टॉल कर लो, उसके बाद आप इसको ओपन कर दो। तो ये ओपन हो रहा है और देख सकते हैं यहां पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा है ना, जहां लिखा है एंटर योर मोबाइल नंबर। तो सिंपली से यहां पे आपको वो मोबाइल नंबर डाल देना है जिसके थ्रू जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने यहां पे जो है वो नंबर को डाल दिया है। उसके बाद जो है यहां पे आपसे एक परमिशन मांगा जा रहा है मैसेज का। यहाँ पे आपसे टोटली जो है पांच परमिशन मांगा जाएगा। पहला मैसेज का, दूसरा है कॉन्टेक्ट्स का, तीसरा है कॉल्स का, चौथा है लोकेशन का, और पांचवा जो होगा वो होगा मीडिया का। तो अगर आपको जो भी परमिशन लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है आप उसको दे सकते हैं, और जो भी लगता है ज़रूरी नहीं है आप उसको डिनाई कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोसीड का, सिंपली से यहाँ पे क्लिक कर दो। उसके बाद जो है आपके फ़ोन पे जो है वो OTP चला गया होगा। अब देखो यहाँ पे नीचे एक टाइमर चल रहा है। इस टाइमर का क्या मतलब है कि जो भी नंबर आपने डाला है अगर इसी फोन में वो नंबर है तो ऑटोमेटिक वो जब SMS आएगा तो ये जो है फिल हो जाएगा और ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर वो नंबर किसी और फोन में है तो आपको यहाँ पे डाल तब सकते हैं जब ये टाइमर का जो टाइमिंग है वो खत्म होगा तब, ठीक है। उसके बाद सिंपली से यहाँ पे फिल कर दो और नीचे में जो है आपको वेरीफाई का एक ऑप्शन दिख रहा है, वेरीफाई पे क्लिक कर दो। उसके बाद जो है आपका OTP जो है वहाँ पे वेरीफाई होगा और देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वेरीफाई हो चुका है और अकाउंट भी क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जा रहा है जिसको आप अलाउ करना चाहें तो कर सकते हैं, डिनाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर आप किसी पर्सन को जो है आप यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप अपने इस वॉलेट से जो है अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी मैं आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा समझा देता हूँ कि अगर आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर चेंज करना है या फिर प्रोफाइल पिक्चर लगाना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली से आप जो है इस प्रोफाइल पे आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद अगर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है तो सिंपली से यहाँ से आप जो है अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन चेंज करना है तो सिंपली से ये जो है एरो दिख रहा है, सिंपली से यहाँ पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे लिखा है पर्सनल डिटेल्स और उसके जस्ट बगल में दो आइकन आपको दिख रहा है, एक पेंसिल का आइकन है, दूसरा कैमरा का आइकन है। तो पेंसिल का आइकन पे क्लिक करो और यहां पे आप अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद यहां पे कैमरे के आइकन पे जब क्लिक करोगे तो आपके फोन का गैलरी के चूज करके आप जो अपना कोई भी फोटो यहां पे अपलोड कर सकते हैं अपने प्रोफाइल पे, ठीक है। तो आप अपना कोई फोटो यहां पे लगा सकते हैं। और उसके बाद यहां पे नीचे आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आपको UPI अपना ID क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आपको QR कोड का, उसके बाद आपको जो है लॉक स्क्रीन का, या फिर आपको सेटअप पासवर्ड का, और बहुत सारे यहां पे सेटिंग्स ऑप्शंस है जिनको आप यहां पे नीचे में देख सकते हैं। जब आप उनको यूज करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अगर आपको जो है इसका पूरा डेडिकेटेड अगर एक वीडियो चाहिए कि किस तरीके से जो है हम प्रॉपरली फोन पे को यूज कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपके लिए जो है एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इसके ऊपर लेकर आ जाऊंगा। तो समझ आया ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया भी होगा और पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना मत। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर जो है डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, यहाँ पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जो भी जानना है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।